हेलो गाइस, सो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को वॉश कराने के लिए। हम लोग बेसिकली कार स्पा वालों के पास भी गए, उन लोग के पास हम गए तो उन लोग ने हमको पूछा तक नहीं और एंटरटेन भी नहीं किया, तो हमारा हो गया वहाँ पे लोल। हम आ गए भाई ऑटो जोन, जो कि एक प्रीमियम वॉशिंग के लिए जाना जाता है। ये ना भाई एक अलग तरीके की मशीन यूज करते हैं, जो कि मैंने तो भाई अभी तक नहीं देखी। हालांकि मैं काफ़ी और जगह भी गया, जो कि प्रीमियम वॉशिंग के लिए माने जाते हैं कि भाई कार स्पा वगैरह ये सब उन लोग की जो वॉशिंग का जो रेट रहता है वो इतना ज़्यादा रहता है कि कोई अफोर्ड ही ना कर पाए। और इन लोग का देख सकते हो आप क्या मस्त सेटअप है, इन लोग ने पूरा मशीन लगा रखी है अच्छी खासी। जो इनका क्लीनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने देखा इससे पहले एक ब्रीजा धोई है इन्होंने, तो ये सारी मशीनें यहाँ काम करती है। नीचे से इन लोग ने पूरा अपना सेटअप कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हो। और भैया से भी पूछते हैं कि वो कौन सा शैम्पू वैम्पू यूज़ करते हैं। सारा कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ, ऐसे पूरा इनका बुलाई बुलाई होता है, उधर जाके इनकी क्लीनिंग व्लीनिंग जो भी प्रोसेस रहता है वैक्यूमिंग वगैरह करते हैं। तो काफ़ी अच्छा भैया ने सेटअप कर रखा है, तो देखते हैं भैया कैसे पूरा अपना धुलते हैं और हम मिलते हैं आपको आगे। छोटू ने निकाल लिए हैं सारे जो हमारी मैट थी, इनको क्लीन कर रहे हैं पहले। इसको पानी से ही धुलोगे या इस पर साबुन वाबुन भी मारते हो? दोनों होगा। बाकी जगह आप जाओगे वो लोग केवल पानी मार देते हैं और सुखाने रख देते हैं। इन भाई का कहना है कि ये शैम्पू भी करेंगे इसके ऊपर और फिर उसके बाद उसको डालेंगे, क्योंकि एकदम डीप क्लीन हो जाती है इससे। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो आप कितना मस्त क्लीन हो रही है नीचे से। हमने ऊपर से क्लीन कर रहे हैं, इनकी मशीन तो काफी लाजवाब है यार। काफी प्रीमियम वॉश है यार, काफी मस्त मशीन इनकी। और मैं रेट आपको लास्ट में बताऊंगा, इसका रेट भी ज़्यादा महंगा नहीं है। आप यहाँ पे आ सकते हो और इनका एड्रेस वेड्रेस मैं सारा मेंशन कर दूँगा वीडियो में। और भाई मतलब बाकी कार स्पा वगैरह और भी हैं ऑक्शन करके, मैं उन लोग पे भी गया, उन लोग के पास टाइम नहीं था तो हम लोग फिर लास्ट में यहाँ पे आए हैं। तो काफ़ी अच्छा सर्विस है इनका और भैया भी काफ़ी पोलाइट हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं वो। तो मैं भैया का एड्रेस वेड्रेस पूरा सारा कुछ मेंशन कर दूंगा इसमें, तो आप देख सकते हो भाई क्या मस्त क्लीनिंग करते हैं। आप देख सकते हो भैया की मशीन। भैया से भी बात करेंगे अभी उनसे। डीप क्लीनिंग देखो भाई, थोड़ी सी रह गई है मिट्टी वगैरह, वो थोड़ी हार्ड रहती है, मुझे वो लगता है वो प्रेसर से छुटा देगा। पर भाई जो क्लीनिंग हुई है ना वो लेवल अलग है क्लीनिंग का। और ये बस अभी कोई हैंड वॉश नहीं है, कुछ नहीं, कुछ किसी ने कोई हाथ यूज़ नहीं किया है और डायरेक्टली इस मशीन से हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इन लोग का प्रोसेस है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हो और मैं आपको एड्रेस वेड्रेस सारा यहाँ का दे दूँगा। मैं क्लीनिंग की डिटेलिंग दिखाता हूँ आपको। ये शायद इन्होंने फिर से स्टार्ट किया है, ये सेकेंड राउंड चल रहा है इसका। तो देख सकते हो क्या क्लीनिंग है यार, मतलब प्रीमियम से भी हाई लेवल है ये। और ये भैया यहाँ के ऑनर हैं, इनसे आप आके मिल सकते हो, सकते हैं भाई। भाई जो प्रीमियम लेवल है ना इसका, वो अलग लेवल है। देख सकते हो क्या मस्त, मुझे लग रहा है ठंडा ठंडा लग रहा है, लग रहा है यही ठंडा हो रहा है। रिलीज सेटिस्फैक्ट्री है। ये है मार्टेल का जो यूज़ करते हैं, भाई ने शैम्पू वगैरह लगा दिया है मस्त। छोटे ये कपड़ा कौन सा होता है, माइक्रोफाइबर रहता है ना? हाँ वही है, तो ना पड़े। और भाई माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल साड़ी वाड़ी वाला कपड़ा यूज़ नहीं करते लोग वगैरह। अगर आपको
अगर वॉशिंग आपको पसंद आती है तो भैया से एक बार ज़रूर मिलना, क्योंकि मेरे को मैंने यहाँ पे ना चार पांच ऑटोजोन है इनका नाम, तो मैंने और भी देखे, कार स्पा है और कुछ नाम था निकॉन करके, उन पर भी गया था। उन लोग के पास तो टाइम ही नहीं है, प्लस उन लोग के पास कह रहे हैं कि भाई वॉशिंग में टाइम लगेगा, तो हम लोग ढूंढते ढूंढते भैया के पास आए हैं। भैया का इंटरव्यू था भी, ये इन लोग का तीसरा प्रोसेस है कि उन्होंने फर्स्ट सबसे पहले तो उसको चलाया था जिसमें भाई बस नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं, और दूसरी बार फिर उसको अंडर वॉशिंग किया था, तीसरे में इन्होंने शैम्पू लगाया, उसके बाद ये चलाया, जो भी इनका प्रोसेस रहता है आप देख सकते हो। ये भैया बोल रहे हैं इसको वैक्सिंग बोलते हैं, लिक्विड वैक्सिंग। वॉशिंग हो गई कम्प्लीट और आप देख सकते हो भाई, मतलब ये सारा इन्होंने मशीन से क्लीन किया। अगर बंदा हाई प्रेशर भी मारेगा तो भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। इसमें गाड़ी जो है पूरी, आपका जो अंडर चैसी चला था, ये रिम को अंदर से भी क्लियर किया है, वो जो नीचे, और ये हमारी फाइनल क्लीनिंग जो निकल के आई है वो ये है, आप देख सकते हो। मतलब फुल्ली सेटिस्फेक्टरी सर्विस यहाँ पर मिली है हमको, देख सकते हो भाई। अब माइक्रो फाइबर का जो भी ये लोग कपड़ा यूज़ करते हैं उससे क्लीन कर रहे हैं पूरा, इनका प्रोसेस काफ़ी अच्छा है भाई, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ भाई, पूरी डेडिकेशन से मस्त एक चमका दी है, देख सकते हो शाइन भी मारती है, देख सकते हो सेरू के बाल थे, अब देखो एक भी बाल दिखाओ। और अगर मैं सारी वॉशिंग की बात करूँ तो हमारी गाड़ी हो गई है कम्प्लीट, और इसमें भैया का पूरा ध्यान, भैया ने बहुत हेल्प किया हमारी, और गाड़ी एकदम अच्छे से क्लीन हुई है, मैं आपको दिखा दूँगा पूरा वीडियो में। और भैया जैसा कि हमारी जो आपकी जो सर्विस थी हमको काफ़ी अच्छी लगी, और हम रेटिंग इसको कर देंगे, तो आप बता दिए यहाँ पे बंदा अगर कराना चाहे ये सारी वॉशिंग जो हमारी वीडियो में हमने कराई है, तो कैसे आ सकता है, क्या एड्रेस है और आपका क्या फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ? देखिए हम लोग का गूगल पे अवेलेबल है, हम लोग गूगल मैप पे, तो अगर कोई हमारे यहाँ ऑटोमेटिक कार वॉश के लिए आना चाह रहा है तो सबसे पहले तो वो ईजीली गूगल पे जाके ऑटोजोन कार वॉश टाइप कर लें, तो उनको एक्यूरेट लोकेशन मिल जाएगी, और अलॉन्ग विद डैट उस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा, तो विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद यू, तो कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं टाइमिंग या लोकेशन जो होंगे। और मैं रेट की बात करूँ तो भैया की रेट एकदम जेन्युइन है, ये मेरी गारंटी है, आप जितना भैया को पे करोगे ना उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, देख लो भाई क्या ऑटोमेटिक मशीन है, सारा कुछ वैक्सिंग वगैरह करके देती है, गाड़ी मेरी एकदम क्लीन हो गई है, बल्कि आप देख सकते हो पीपीएफ जब गाड़ी को होती है तो इतना साइन नहीं करती है, पर देख लो आप एकदम क्लीन हो गई है पूरा सब कुछ। भैया इसका रेट क्या रहता है आप बता ही दो भाई। देखिए हम लोग का स्मॉल साइज़ और मिड साइज़ गाड़ियों का 300 रुपीज़ है, और जो बिग कार्स है लाइक एसयूवी जितनी भी है उनका सबका 350 रुपीज़ है, और जिसमें हम लोग गाड़ी को 4 लेवल्स पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले अंडर चैसी वॉश होता है, जिसमें हम लोग हाई प्रेशर से गाड़ी को पूरा नीचे से क्लियर अप करते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी को ऊपर फर्स्ट वॉश होता है, उसके बाद थर्ड लेवल में हम लोग इसको सिंथेटिक शैम्पू से पूरा शैम्पू करते हैं, जब शैम्पू हो जाता है तो लड़के हमारे उसके ऊपर हाथ को रब करके पूरा उसकी स्क्रबिंग कर देते हैं, जिसका भी डर्ट और हेवी स्टेन है वो निकल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कोई घटिया क्वालिटी का शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, इनका काफ़ी अच्छा है, मैं वीडियो में डाल दूंगा साइड में कि कौन सा मर्टिल करके, क्या नाम है भैया उसका, मार्टिल कंपनी है उसका, सिंथेटिक शैम्पू लगाते हैं, सिंथेटिक रहता है एज कम्पेयर टू द मार्केट, अगर आप देखें तो वहाँ पे डिटर्जेंट्स होते हैं निर्मा सब या टाइप्स, क्लिनिक प्लस वगैरह यूज़ कर लेते हैं वो लोग, जो हार्डकोर कार के हेल्थ फ्रेंडली मटेरियल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये है कि लास्ट जो स्टेप रह गया था मैं बता रहा था कि उसमें हम वैक्सिंग करते हैं, जिसमें हम लोग लिक्विड वैक्स से करते हैं, जिसमें शाइन एंड ग्लॉस, तो जो अभी आपको ये दिख रही है स्टेप, ये हम लोग ने लास्ट स्टेप पे किया था, मशीन से ही लिक्विड वॉश हम करते हैं, सॉरी लिक्विड वैक्स करते हैं 1:10 रेशियो पर, और
जब वो हो जाता है तो उसके बाद गाड़ी बस उतार के हम लोग उसे ड्राइव कर देते हैं, बाइक कर देते हैं। तो इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि कम से कम 3 से 4 दिन तक ये इस पर शाइन रहती है। आपको बस सूखा कपड़ा मारना होगा और आपकी शाइन मेंटेन रहेगी। अगर कवर्ड पार्किंग है तो ईजिली 5-6 दिन भी निकल जाएगी। कवर्ड ही हमारी ये है। चलिए भैया से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और टाटा हैरियर, ये भैया की टाटा हैरियर है डार्क एडिशन। अभी आइए वॉश होने, अभी वॉश होने के लिए आइए। और ये यहीं पे आती है बेसिकली, क्योंकि भैया इनकी सर्विस से इतना खुश है ना। अब आप बता दीजिए आप कितना खुश है भैया। मेरे घर की सारी गाड़ियां हैं, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। हाँ, और वो चारों गाड़ियां यहां पे आती हैं। आपको लखनऊ में, आप गोमती नगर के आसपास के एरिया में कहीं पर रहते हैं तो भैया के पास एक बार ज़रूर विजिट करना भाई। मेरी श्योरिटी है आपको पक्का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और भैया भी अपनी गाड़ी लेके आए हैं, इनका डार्क एडिशन है। पीछे क्रेटा अभी कंप्लीट हो रखी है, वो जाने वाली है। और यहाँ पे पहले से देख सकते हो कितनी लाइनें लगी हैं इनके पास। ये एक लगी हुई है ऑलरेडी, और इससे पीछे भी एक गाड़ी लगी है जो होंडा की कोई गाड़ी है, साइज सिटी है। तो आप भी एक बार ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।